छतरपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने दिन दहाड़े एक बस में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले तो हाथ देकर बस को रोका और फिर कट्टे की नोक पर जेवर और कैश लूट कर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर से दिन दहाड़े लूट की वारदात का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक बस को हाथ देकर रुकवाया और कट्टा लहराकर यात्रियों से पैसे और गहने लूट लिए। बस छतरपुर के लवकुश नगर से सतना जा रही थी, जिसमें करीब 20 यात्री सवार थे। लुटेरों ने 3 हवाई फायर भी किए और अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बदमाशों ने वारदात को राजनगर थाना क्षेत्र के पास अंजाम दिया। घटना हुई लवकुश नगर से हम मैयर जा रहे थे, तो ये छुट्टी गड्ढा पड़ता है, वहाँ पे बस रुकी, तो बस रुकी और वो चढ़े, उन्हें पहले ड्राइवर के गणपति पे कट्टा आया, ड्राइवर से बोले बस बंद करो, ड्राइवर ने बस बंद करी और बस उन्हें पैसे निकाल यानी स्टार्ट किया, पैसे जिसके पास जितना हो निकालो, पैसा जो कुछ भी हो सब निकालो, मोबाइल वोबाइल सब, तो निकाले किसी कोई लोग हिचकिचाने लगे देने में, तो फिर इन्हें फायरिंग करने के बाद फिर उनने सब ने फिर सबका पैसा निकाला, मंगलसूत्र हमारी घरवाली का था, ऐसे देखता नाखून भी लग गए, झपट गए सब, ऐसे सबका लूट पूरी यानी बस पूरी बस में लूटा और लूट के उतर के चले गए। अब वो लोग चले गए, हम लोग गए देखने के लिए, देखने के लिए गए तो उनकी बाइक खड़ी हुई थी, उनकी बाइक खड़ी हुई थी तो बाइक के प्लग अलग किसी ने निकाल लिया होगा, पता नहीं किसी ने निकाला प्लग निकाली होगा, तो वो आए फिर दोबारा आए कट्टा लेके, फिर फायरिंग की उन्होंने, बोले प्लग दो गाड़ी का, प्लग दो गाड़ी का, तो बोले कंडक्टर लेके भाग गया, तो कंडक्टर के पीछे भागे, कंडक्टर जंगल की ओर भाग गया। वहीं पे दो लोगों ने बस रुकाई, बांधे हुए थे, हाथ दिया तो बस रोकी, जैसे ही वो अंदर आए तो उसने तुरंत कट्टा निकाला, कट्टा निकाल के सीधे उनके ड्राइवर के साथ अड़ा लिया और कहने लगे कि गाड़ी रोको और चाबी निकालो, चाबी निकाल के हाथ पे ले लिए, कहने लगे सब लोग अपने अपने पैसे निकाल के दो, जो कुछ जो कोई चीज भी लिए वो सब निकाल के दो। हम मंगलसूत्र पहने हुए थे तो हमारा मंगलसूत्र तोड़ दिया और हमारे पति से दस हज़ार रुपये छुड़ा लिए और जितने लोग बैठे थे उसमें सबका सब कुछ छुड़ा लिया, मोबाइल वगैरह सबका सब कुछ छुड़ा कर भग गए। 15 से 20 लोग थे वहाँ से आ रहे थे लोकेश नगर से, हाँ सुबह 7:20 पे आए पथरिया तेजला पे, दो लोग मिले मोबा में। अच्छा, उन्होंने गाड़ी में हाथ दिया, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, मैंने गेट खोला पीछे का, वो पीछे वाली आ जाएंगे से आए, ड्राइवर की कनपट्टी पे उन्होंने कट्टा धर दिया, बस बस की चाबी बंद करके बोली बंद कर दू, बस फिर एक लठ ले दो कट्टा ले थे दो जने, तो लेडीज है बैठी थी बगल में, सुनने मंगल सूत्र एक दो तीन लेडीज का छीना, फिर ऐसे एक आगे आगे से पीछे कर ले टल्लो गए सीधे पूरी सवारी उनके मोबाइल वोबाइल छुड़ा के, फिर भाग गए। 20 से 25 लोग ऐसे मोबाइल वोबाइल सब पैदल थी वहाँ, कोई वहाँ नहीं, मोटरसाइकिल धरी थी उनकी खाई में, जब वो भाग गए हमने मोटरसाइकिल का नंबर लिया, हाँ नंबर है कंडक्टर के पास, वो दो लोग, हाँ ये कट्टा करा के यहाँ बैठ गया पूरी में, इतने में कट्टा करा रहा, एक वोगानी करता रहा, एक छुरी लें था एक लड़का, अच्छा वो गानी करता था, वो यहाँ से कट्टा ले खड़ा था, वो लें थे कट्टा लोग तो सब जने चमा गए, हवाई फैर भी दो तीन करी उन्होंने, फिर भाग गए वो पथरिया गांव को, जंगल में तिली लगी है ऐसी रोड पे, वहाँ घुस गए थे, नहीं मोटरसाइकिल धरी रही, अच्छा फिर हमने उसका नंबर लिया, फिर गाड़ी स्टार्ट करी थाने लिया। जिस इलाके में लूट की वारदात हुई वो राजनगर वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में आता है, जिस पर वीडी शर्मा ने छतरपुर एसपी से पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट ली और आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने के साथ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। नहीं मोटर्स नहीं, ये आप इस पर कड़ी कार्रवाई करें तो बस को लूटना, बस को कट्टा दिखा करके गरीब आदमी से पैसे लूटिए, नहीं इनका इनके इनके आसपास या कोई भी है ये जरा इसको तो बहुत कड़ाई से एक्शन करो। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।